आज भारत के शिक्षा शास्त्रों की बात करें तो इनमें सबसे ऊपर आपका नाम आता है। ये तो क्या है कि आना ही पड़ेगा नाम को, क्यों आना पड़ेगा कि मेरे पीछे कितने विद्वान हैं, उनकी उनकी लिस्ट देखिए ना आप। हाँ, मैं कहाँ हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पीछे इतने इतने बड़े विद्वान लगे हुए हैं, है, और उन विद्वानों ने मिलकर मेरे को आगे बढ़ाया है, तो मैं असल में शुक्रगुजार तो उनका हूँ कि उन विद्वानों के कारण मैं आगे आया हूँ। ऐसा मेरे अपने एफर्ट्स से तो बहुत कम आया हूँ आगे मैं उनके। नमस्कार, कॉइन स्टार्स में आपका स्वागत है। तो कॉइन्स में आप बहुत जाने माने, बहुत बड़ी हस्ती हैं। आप कई पिछले करीब 35-40 सालों से आप सिक्कों में इतना अच्छा कलेक्शन करते हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि सिक्कों में आपकी शुरुआत कहाँ से, कैसे? सब बचपन से ही मेरे को क्या था कि कुछ न कुछ इकट्ठा करने का शौक लगा रहता था। कभी स्टैम्प्स इकट्ठे किए, कभी मेरे एक अलग से जेम एंड ज्वेलरी के बिजनेस में मैं हूँ तो मैंने कुछ डायमंड्स के कलर इकट्ठे करना शुरू कर दिए। दूसरा फिर उसके बाद में जेड वगैरह में भी मैं काफ़ी अच्छा मेरा कलेक्शन किया। उसके बाद में फिर मेरा ऐसे मन किया कि मैं सिक्कों में भी कुछ कलेक्शन करके दिखाऊँ, तो फिर मैं सिक्कों के अंदर कलेक्शन करने का मैंने करीबन 30 साल पहले मैंने स्टार्ट कर दिया काम। तो आज 30 साल का सफ़र है ये मेरा कि 30 साल तक सफ़र किया है मैंने इसके। तो शुरुआत आपने सिक्कों में कौन से सिक्कों से की? सब शुरुआत में तो मुझे पता भी नहीं था कि मुझे कौन से सिक्के इकट्ठे करने हैं कायदे से। तो फिर बाद में कुछ मैं लोगों के टच में आया और संयोग की बात है कि बॉम्बे में जाने माने डीलर थे फारूक भाई टोडी वाला। तो फारूक भाई टोडी वाले के पास मैं गया और उन्होंने मुझे एक सिक्का दिया कि ये आप ले जाइए, अच्छा सिक्का है। बस मेरा पहला सिक्का वो था और वहीं से मैंने शुरुआत की। तो याद है आपको कि कौन सा सिक्का था वो? सिक्का तो बहुत जोरदार है। अच्छा। बोलना मुश्किल है कि बोलना नहीं चाहता हूँ मैं, असल में मुझे आइडिया है, मगर बहुत जोरदार सिक्का दिया और उसके बाद से मुझे बस मेरी जर्नी शुरू हो गई है। तो फिर आपने उसके बाद सारे सिक्के जमा करना शुरू किए या कोई स्पेसिफिक सीरीज शुरू की, किस तरह से आप इसमें आगे बढ़े? मैंने मामूली सा इसमें थोड़ी स्टडी की और स्टडी करने के बाद मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और अगर इस सब्जेक्ट को अपन ने छोटा नहीं किया तो हम लोग कर नहीं पाएंगे सिक्के इकट्ठे। अच्छा, दूसरा क्या है कि मैंने चाहे जो मिला वो सिक्का नहीं रख लिया उठा के कभी भी। मैंने कहा कि इसको एकेडमिक पर्पज के हिसाब से काम करना है मुझे और उस लिए फिर मैंने क्या किया कि मैंने अपना एक सब्जेक्ट चुना कि सब्जेक्ट वाइज करेंगे तो हम लोग कहीं स्टैंड कर पाएंगे। तो मैंने सब्जेक्ट वाइज चुन के और अपने आप की स्टैंडिंग खड़ी करने की कोशिश की इसमें। तो सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट आपने पसंद किया? देखिए, ऐसा है कि मैं जैसे जयपुर में रहता था तो मैंने सोचा कि जयपुर के क्यों नहीं सिक्के इकट्ठे किए जाए। अच्छा, तो इसलिए फिर मैंने जयपुर के सिक्कों से स्टार्ट किया और वो मेरी सिलसिला चलती गई वो सब सिक्कों की तारीख। जयपुर के लिए उस वक्त तो कोई कैटलॉग भी नहीं था, तो आपको कैटलॉग के बगैर, किताब के बगैर आपको सिक्के जमा करना बहुत मुश्किल रहा होगा? नहीं, ऐसा था कि मामूली हिंट तो थी मुझे, कहीं कहीं पढ़ने को मिलता था और मिलता था, मिनटों की जगह भी मिलती थी, सुनने को मिलती थी, मगर लास्ट में मैंने देखा कि करते जाओ कहीं तो अंत आएगा। और आज इस मुकाम पे मैं पहुंच गया कि जो भी नोन सिक्के हैं उनमें कोई दो चार सिक्के ऐसे होंगे जो मेरे पास नहीं हो नोन में, क्योंकि नए नए तो निकल के फिर आते तो उसकी तो कोई लास्ट लिमिट नहीं है, मगर जो नोन सिक्के थे करीबन वो मेरे पास में काफ़ी आ गए, दो चार सिक्कों को, पाँच सिक्कों को छोड़कर उनके भी लिए लगा हुआ हूँ कि कभी आएंगे मेरे पास में वो। तो ये जयपुर स्टेट के सिक्के आपने जमा किए, तो जयपुर सीरीज जहाँ से जयपुर स्टेट शुरू होता है वहाँ से, या उससे पहले जो मुगल सीरीज थी उसके भी कुछ सिक्के आपने जमा? नहीं, मुगल सीरीज का तो नहीं किया, मगर जयपुर में ही जगह है आमेर करके, तो वो उस समय राजा अकबर थे बादशाह, तो उस अकबर के समय का जो सिक्का था जो कि जयपुर का छपा हुआ है वही से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। काफी महंगा और काफी रेयर सिक्का है आमेर का। आमेर का सिक्का रेयर है, हाँ रेयर है, मगर मेरे पास में दो सिक्के हैं, दो तरह के हैं, वो दोनों दो साल में आए तो मैं दोनों ही मेरे पास में कलेक्शन में है मौजूद। तो इसमें आपने राजा के हिसाब से जयपुर के सिक्के जमा किए हैं,
मिंट के हिसाब से किए या मेटल के हिसाब से किए? नहीं सर, मैंने तो सारे ही सिक्के इकट्ठे कर डाले, तांबे के सिक्के से लेके और जयपुर के सारे सिक्के, चांदी के, सोने के, सभी तरह के मैं इकट्ठे करता गया। मगर जो मैंने शुरुआत की वो ऐसे सिक्के शुरुआत की जो कि एक ही नोन है दुनिया में, और वो सिक्का मेरे पास मेरे कलेक्शन में है और वो है फर्रुख शेयर का। तो ये जो सवाई जयपुर की पदवी है, सवाई की पदवी है, वो फर्रुख शेयर ने ही यहाँ पे उनको दी, महाराजा को दी थी। तो वहीं से मेरा पहला सिक्का वो है। ये जो आप सिक्के की बात कर रहे हैं तो बहुत ही हिस्टोरिकल सिक्का है, क्योंकि वो इससे पता चलता है कि जयपुर शहर कब बना, कब बना, उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आपकी ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है। ये तो मेरा जयपुर का पहला सिक्का जो सवाई जयपुर के नाम से छपा हुआ है वो फर्रुख शेयर के नाम से इशू हुआ है। अब फर्रुख शेयर के नाम से इशू हुआ 1713 से लेके, फर्रुख शेयर का जो टाइम था वो 1713 से लेके 1719 का था, और जयपुर की स्थापना 1718 में नींव रखी गई जयपुर की, और 1728 में जाके ये बन के तैयार हुआ जयपुर नाम का। ये उस पीरियड का सिक्का होना चाहिए। तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ ये सिक्का मेरे पास जो है वो 1718 या 1719 का होगा। हमारे जयपुर महाराजा को, जो प्रथम महाराजा जयपुर के थे, उनको ये पदवी भी फर्रुख शेयर ने ही दी थी, इसलिए ये सिक्का जयपुर का पहला सिक्का गिना जाएगा। दूसरा हिस्टोरिकल है, क्योंकि इससे हमारे जयपुर की हिस्ट्री मालूम पड़ती है कि कहाँ से शुरुआत हुई है हमारे जयपुर की। अच्छा, दूसरा मेरे लिए सिक्का कुछ कीमती भी है, ज़्यादा ही कीमती है, क्योंकि ये सिक्का मुझे, मैंने ख़रीदा नहीं है, मैंने बहुत अच्छा ऑफर दिया था इस सिक्के का कि मुझे दीजिए आप। मैं गया इस सिक्के को लेने के लिए जबलपुर, तो वहाँ दिलीप भाई शाह थे, उन्होंने मुझे ये सिक्का, मैंने उनको कहा कि मुझे दीजिए सिक्का ये, तो उन्होंने कहा सर मैं दे नहीं सकता हूँ, मेरा कलेक्शन का सिक्का है। मैंने काफ़ी उनको रिक्वेस्ट की कि मुझे दीजिए, उन्होंने मुझे नर्मदा नदी में घुमाने भेज दिया, वोटिंग कराने भेज दिया कि हर तरह से कर दो, सिक्का मत लो। जब मैं लंच पे आया उनके पास में, तो मैंने कहा साहब मैं निराश होकर जाऊंगा, ऐसा नहीं चाहता हूं मैं 998 किलोमीटर का सफ़र तय करके आया हूं, और सिर्फ इस उम्मीद में आया हूं कि आप मुझे सिक्का दोगे, और ये सिक्का मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इस सिक्के के बिना मेरा सारा जयपुर कलेक्शन अधूरा रह जाएगा। तो फिर बाद में उन्हें जाने क्या जची क्या नहीं जची, बोला मैंने आपको कह दिया था दूंगा तो नहीं, मगर अब आपने इतना कहा है तो मैं आपको एक गिफ्ट ही करूँगा, और ये सिक्का मुझे गिफ्ट ही किया। तो इस सिक्के के साथ में क्या है कि मेरी दिलीप भाई शाह की यादें जुड़ी हुई है, और मेरा मुझे ये भी लगा कि एक कलेक्टर को बढ़ाने के लिए दूसरा कलेक्टर किस तरह से मदद करता है, तो उनका तो मैं ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा इस सिक्के के पीछे। ये है। तो इसके बाद फिर आपने फर्रुख शेयर के बाद सारे मुगल राजाओं के सिक्के भी जमा किए, और फिर जयपुर स्टेट के भी सिक्के जमा किए। फिर तो वो क्रम चलता गया और इकट्ठे करता गया। चूंकि मेरे रिलेशन काफ़ी अच्छे रहे, मैं जयपुर में था तो मैंने सोचा जयपुर से काफ़ी इकट्ठे आएंगे, सिक्के आएंगे। एक आध मेरे जयपुर में कलेक्शन था किसी का, वो कलेक्शन भी मैंने पूरा का पूरा ले लिया। मैं कलेक्शन लेने के बाद मुझे लगा कि अभी तो कुछ बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। उसके बाद में फिर मेरे बम्बई में, दिल्ली में, कलकत्ता में कनेक्शन काफ़ी रहे, तो उनसे भी मुझे काफ़ी सिक्के आए। उसके बाद में फिर ये सिक्कों का यूरोप में, अमेरिका में, उन लोगों ने भी मुझे काफ़ी हेल्प करी मेरे कलेक्शन को पूरा कराने के लिए, और वो सिक्के मेरे कलेक्शन में एक से एक आते गए, चलता गया कारोबार, चलता गया सब इस तरह से। तो जयपुर में नॉर्मल सिक्कों के अलावा आपके पास जयपुर के नजराना सिक्कों का भी बहुत सुंदर कलेक्शन है, तो उसके बारे में कुछ बताइए कि नजराना सिक्के क्या होते हैं और आपने किस तरह से जमा किए? अब सब ऐसा है कि मेरे लिए तो सब सिक्के बराबर बराबर थे, वो एक पैसे से शुरू होता है, आधे पैसे शुरू होता है और नजराने तक जाता है, और सोने का नजराने तक भी जाता है, और सोने के नजराने मेरे पास में है थोड़े बहुत। तो अब क्या है कि मेरे लिए तो सब सिक्के बराबर थे, इसलिए मेरे लिए नजराने का कोई इतना बड़ा महत्व नहीं था। मगर नजराने का मतलब ये था कि राजा को नज़र करते थे लोग उनके ऑनर में, और राजा को नज़र किया तो वो सिक्के थोड़े से कम निकलते थे, इसलिए वो थोड़े कीमती कहे जाते थे। बाकी मेरे लिए तो क्या है, तांबे का और सोने का सिक्का दोनों बराबर थे, कहीं कोई मैंने इसमें मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आया इस सिक्के में कहीं पर भी। वाह,
आपने जयपुर एक ऐसी थीम सिलेक्ट की है कि उसमें सिर्फ आप जयपुर स्टेट के सिक्के ही जमा नहीं किए, लेकिन आपने जयपुर से रिलेटेड सारे हिस्टोरिकल चीज़ें भी जमा की हैं। तो ये आप बताइए कि आपने उसमें क्या जमा किया है और किस तरह आपने अपने कलेक्शन को इतना बड़ा किया है कि जयपुर के बारे में अगर कोई जानना चाहे तो उसे आपके पास ही आना चाहिए, जरा ये बताइए आप। उसमें सब ऐसा है कि सिक्के से कनेक्टेड कई चीज़ें हैं, क्योंकि सिक्का तो माया है, है? अच्छा, हमने सुना है कहीं पर कि जिसके पास सोना होता है, है, वो गुणवान व्यक्ति कहा जाता है। इसको संस्कृत में कहा है किसी ने कि सर्वे गुणा कांचनम आश्रयन्ति, सही वक्ता सच दर्शनिया, वही वक्ता है, वही बोलने लायक है और वही दर्शन के योग्य है। ये शास्त्रोक्त बात है और ली गई है शास्त्र से ली गई बात है। तो इसलिए क्या है कि मैंने सोचा कि इन सिक्कों की बढ़ोतरी के लिए, बढ़ाने के लिए, इन सिक्कों का गुणगान करने के लिए, तो इन सिक्कों के अलाइड आइटम्स भी हम लें, जिससे क्या है कि इन सिक्कों के की पूरी व्याख्या कर की जा सके कोई भी समय में। क्योंकि मेरा उद्देश्य सिक्का इकट्ठा करना नहीं था, मेरा इतिहास को जोड़ना भी उद्देश्य रहा है, एकेडमिक पर्पज भी रहा है मेरा। इसीलिए मेरा क्या है कि मैं सलाह मशवरे के बिना मैंने कभी कोई काम नहीं किया, क्योंकि मुझे हिस्ट्री से मतलब था, सिक्कों से कम मतलब था। इसलिए फिर मुझे कई तरह की चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ी, जिसमें कि राजा के कोट ऑफ आर्म्स भी आ गए, बाट भी आ गए, माप तोल के लिए बाट भी आ गए, मिंटों की कई चीज़ें, पर्सनल चीज़ें मिंटों की, एक मिनट में कैसे छपते थे, उनकी इन्फॉर्मेशन भी सब आई मेरे पास में। इस तरह से ये चीज़ें चलती गई। तो इतना बड़ा जब आपने कलेक्शन किया है, क्योंकि ये इतना बड़ा कलेक्शन है कि किसी म्यूजियम में भी इतनी बड़ी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें नहीं रहेंगी, तो आप क्या चाहते हैं कि ये आपने जो धरोहर जमा की है ये लोगों तक कैसे पहुंचे? आप उनको कैसे बताएंगे कि आपका अच्छा कलेक्शन है जिसकी वजह से जयपुर और भारत और राजस्थान का इतिहास भी एक नई दिशा प्राप्त कर सकता है? तो आप क्या सोच रहे हैं कि इसको आप किस तरह से प्रकाशित करेंगे? इसमें सब क्या है कि मैंने कई विद्वानों से राय ली। एक तो इसमें आप खुद स्वयं राजकोट साहब ही विद्वान थे, तो मैंने उनसे भी राय ली, मशवरा किया मैंने। फिर दूसरे मेरे, मैं उनके टच में था, जो इंग्लैंड से आते हैं डॉक्टर शैलेंद्र भंडारे, तो उनके टच में था। और दिल्ली से भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली, राजू शीतल भट्ट वगैरह है, ये लोग एक्सपर्ट लोग हैं, तो इनसे, इन लोगों से मैं राय लेता गया। दूसरा, असल में तो क्या है, मुझे ज़्यादा करके किसने सिखाया, जिसको मुझे सिक्का बेचना था ना, उसने मुझे सिखाया। अच्छा। हाँ, क्योंकि 10 रुपये का सिक्का 2000 में बेचना है या 5000 रुपये का सिक्का 25000 में बेचना है, हैं, तो वो पूरी हिस्ट्री ढूंढ ढांड के लाते थे, हैं, और उस हिस्ट्री को हम कन्फर्म करते थे। तो इस तरह से उन लोगों ने भी सिखा, वो भी लोग सिखाते गए, हम सीखते गए। कुछ हमने अपने आप को ये समझा कि हमें एक्सपर्ट नहीं बन के कलेक्शन कर सकते हैं, हम मूर्ख बन के ही कलेक्शन कर सकते हैं, तो हमने गलत चीज़ें भी ले ली थोड़ी बहुत, बाद में काम आती गई। कुछ लोगों ने हमें ये भी सिखाया कि साहब आप सिलेक्ट करना मत सीखिए, आप रिजेक्ट करना सीखिए, जो रिजेक्ट कर लोगे है तो क्या बचेगा, सिलेक्ट, तो सिलेक्शन आपका बच जाएगा और आपका सिक्का का कलेक्शन अच्छा हो जाएगा। तो हमने इस स्टाइल से हमने काम किया, तो इसलिए हमारे पास सिक्के आते गए। इसमें हमने एक बात का और ध्यान रखा कि कभी भी एक सिक्के के हमने दो सिक्के इकट्ठे नहीं किए, कभी भी कोई भी चीज़। अच्छा। हाँ, कभी भी, नेवर। उसका कारण ये था कि हमें डीलर बनना नहीं था, हमें प्योरली कलेक्टर रहना है। तो कलेक्टर आदमी इस तरह से अगर इकट्ठे करने लग जाएगा चाहे जो, तो वो एक दिन ढेर इकट्ठे कर लेगा और ढेर पे कुछ काम का नहीं है वो ढेर। तो इसलिए हमने सिलेक्टेड ही रखा। कुछ कैटलॉग्स में देखते गए, कुछ म्यूजियम्स की हमें जानकारी थी, उन म्यूजियम से भी हमने काफ़ी जानकारी ली, इस तरह से काम किया। तो अभी आप चाहते हैं कि इसके ऊपर कोई आपको खुद को बहुत अच्छी किताब लिखनी चाहिए ताकि लोगों तक इसके बारे में सब जानकारी मिले? अब तो सब ऐसा है कि इतना सब कुछ एफर्ट्स किया है, तो अब किताब लिखना तो मेरे लिए मजबूरी हो गई है। चाहे लिखना चाहूँ चाहे नहीं लिखना चाहूँ, क्योंकि जो कुछ लिया है वो दे दूँ, अपना अनुभव दे दूँ, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और इतने विद्वान लोगों से मैंने इतनी इतनी बातें सब कलेक्शन में उनसे बात करके लिए रखी है, तो मैं चाहता हूँ कि भाई
ये लोगों को भी उजागर हो ये चीज, पूरी दुनिया तक बात पहुंचे, दुनिया तक बात पहुंचनी चाहिए अपनी। तो इसलिए फिर मैंने को जरूरी हो गया करके मानूंगा इसको। बहुत बहुत सुंदर विचार है आपका। और इसके साथ साथ आपने जयपुर में तो काम इतना बड़ा बढ़िया किया है, इसके अलावा आपने कुछ और चीजें भी जमा की होंगी। देखिए सब ऐसा है कि जमा करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें थी, मगर एक 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 आदमी का एक फील्ड होता है, एक आदमी का एक बजट होता है। तो मैंने अपने बजट को देखते हुए मैं हर जगह नहीं भागा, और हर जगह नहीं भाग के फिर मैंने देखा कि अब जैसे हम जयपुर में रह रहे हैं तो जयपुर के सिक्के तो इकट्ठे कर ही लिए हमने, अब हम भारतवर्ष में रह रहे हैं, क्यों ना भारतवर्ष के सिक्के इकट्ठे किए जाए। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट कॉइन हमने इकट्ठे करना शुरू कर दिया। उसमें भी जब आज़ादी हुई, आज़ादी के समय से लेके और आज तक के सारे सिक्के इकट्ठे करने की कोशिश की, उसमें भी ऐसा हुआ कि सहयोग की बात है, सिक्के मिलते गए, काफ़ी कुछ होते गए और कलेक्शन स्ट्रॉन्ग होता गया, कुछ पैटर्न्स भी आए, कुछ प्रूफ सेट भी आए, सारे करीबन करीबन प्रूफ सेट्स इकट्ठे कर लिए हमने। तो इस तरह से ये काम स्ट्रांगली चलता गया, सब कुछ होता गया। नहीं, आपका रिपब्लिक ऑफ इंडिया का भी काफ़ी बहुत सुंदर कलेक्शन है, पैटर्न भी आपके पास बहुत हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपने ऐसी चीज़ भी कलेक्ट की है जो बहुत आज तक काफ़ी कम लोग इसको जमा करते थे, जिसे एरर कॉइन्स कहते हैं। उसके बारे में बताइए कि आपने ये एरर कॉइन्स का आपको आइडिया कहाँ से आया और किस तरह आपने इसका कलेक्शन शुरू किया? अब सब ऐसा है कि मेरे पास टाइम था, वैसे दुनिया में क्या है कि एरर को कोई इकट्ठा नहीं करता, सीरियस आदमी के लिए एरर नहीं बना हुआ है, ऐसा लोग कहते हैं, मगर मैंने कुछ एरर्स के बारे में किताबें पढ़ी, अमेरिकन ऑथर की लिखी हुई किताबें पढ़ी मैंने और लिखा, इंग्लैंड के ऑथर की भी पढ़ी मैंने किताबें, उससे मुझे ऐसा लगा कि अरे जो कुछ नोन है, हैं उससे ज़्यादा तो हमें मिलेगा यहाँ पर, हैं उनको नोन ही नहीं है और हमें ज़्यादा मिलेगा। क्यों ज़्यादा मिलेगा, सवाल ये है, क्योंकि एरर तो दुनिया में हर जगह होती है। नहीं नहीं नहीं, जितनी एरर हम करना जानते हैं उतने अच्छा कोई नहीं जानता एरर करना, एरर में हम लोग मास्टर हैं, नंबर एक बात। दूसरी, हमारी मशीनरी भी है ना, बाबा आदम के ज़माने की पुरानी है, तो उस उन मशीनों में भी गड़बड़ी आती रहती है, उस कारण भी एरर काफ़ी प्रोड्यूस होते रहते हैं। तो हम लोग इसलिए एरर के अंदर में उनके मुकाबले में हमने ज़्यादा वेराइटी इकट्ठी करने में हम सक्षम रहे, तो हमने काफ़ी इकट्ठी कर ली वायरस को, काफ़ी इकट्ठा कर लिया वायरस को हमने। और आज एरर के अंदर में मैं समझता हूँ कि जितनी वेराइटी हम लोगों के पास में होगी शायद ही किसी के पास हो, कोई विदेशी के पास भी नहीं हो सकती है इतनी वेराइटी। तो क्या बात, हाँ हमने एरर के में ये महत्व नहीं दिया कि भाई ये एरर कम मिलता है ये मिलता है, ऐसा नहीं है। वेराइटी ऑफ एरर्स क्या है, टेक्निकल पॉइंट क्या है इसका, टेक्निकली कैसे ये एरर बना हुआ है, है किस मिस्टेक से कौन सा एरर बना हुआ है, उस पर ज्यादा ध्यान दिया, तो वो हमें होता गया, एरर का काम भी चलता गया। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि आपका पिछले 30-35-40 सालों का जो निचोड़ है वो आपने यहाँ रखा है। इसके साथ मैं ये भी प्रार्थना करूंगा आपसे कि आपका इतना सुंदर एक्सपीरियंस रहा है, आपने इतनी मेहनत की है, तो आप बताएंगे हमारे व्यूअर्स को कि जो नए लोग आते हैं, जो बड़े कलेक्टर्स भी आते हैं, जो बड़े कलेक्टर्स ऑलरेडी हैं, उनको आपको सलाह दीजिए कि किस तरह कलेक्शन करना चाहिए और वो किस तरह आपके लेवल तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए साहब, मेरा ऐसा क्या मानना है कि कलेक्शन कीजिए, मगर अपना जीवन का पूरा जीवन मत दे दीजिए उसके बीच में। अच्छा, हाँ, मैंने जैसे पूरा जीवन ही दे दिया कलेक्शन के अंदर में, उससे क्या हुआ कि मेरे मॉनेटरी लॉसेस काफ़ी हुए, मेरे अपने बिजनेस के अंदर में ध्यान कम रहा। खैर, मेरे पिताजी ने मुझे बहुत आगे बढ़ाया, इसलिए किसी ने फैमिली के अंदर में किसी ने मुझे कोई तरह से परेशान भी नहीं हुआ मैं फैमिली के अंदर में, मगर क्या है कि फिर भी एक लिमिट से करना चाहिए, एक आदमी को एक सब्जेक्ट पकड़ लेना चाहिए और सब्जेक्ट पकड़ कर और उसी पे स्टिक होकर अपने एरर को बढ़ावे, और उसको बढ़ाने में अपनी पूंजी को भी देखें भाई कहाँ तक हम खर्च कर सकते हैं, और ऐसा खर्च करें जिससे क्या है कि हमारे बिजनेस पे कोई इफेक्ट ना आए, इस तरह से खर्च करके हमारे को अपना कलेक्शन बढ़ाना चाहिए। दूसरा, कुछ मैं अच्छे अच्छे कलेक्टरों से भी मिला हूँ और भी है जिनसे, उनसे भी प्रेरणा यही मिली मुझे कि भाई परेशान मत हो, आप अच्छे से अच्छा कलेक्शन करने की कोशिश करो। मेरे अपने एक बॉम्बे में है श्री किशोर भाई झुंझुनवाला, उन्होंने मुझे कहा कि देख प्रकाश, सिक्का गोल होता है
मन में ख्वाहिश रख, तेरे पास चल के आएगा वो। और सचमुच हर सिक्का जिस जिसकी मैंने ख्वाहिश की वो चलकर मेरे पास आया है। आज इसी कारण से मैं खुश नसीब भी हूँ, और कुछ सहयोग की बात भी है, कुछ परमात्मा का की दया भी है कि इतने सिक्के मैं इकट्ठे कर पाया। दूसरा, मुझे और जो इस लाइन में है उनका प्यार भी बहुत मिला सिक्के इकट्ठे करने में। प्यार मिलने में दोनों बात रही होगी, एक ही बात से नहीं होता है। मेरा अपना नेचर, और मैंने अपना जो अपने को स्वयं को ढाला और उन लोगों से व्यवहार बनाने में सफल रहा, इसलिए लोगों ने मेरी मदद भी बहुत ज़्यादा की, और वो मदद के रूप में भी किया मेरे मेरे लिए काम लोगों ने, एज ए कस्टमर भी काम किया लोगों ने, मगर मेरा कलेक्शन तो स्ट्रांग होता चले गया इस चक्कर में। तो मुझे तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए, तो मेरा अचीवमेंट है अपने लाइफ का ये। इसी वजह से तो आप आज भारत के सिक्का शास्त्रों की बात करें तो इनमें सबसे ऊपर आपका नाम आता है। ये तो क्या है कि आना ही पड़ेगा नाम को, क्यों आना पड़ेगा कि मेरे पीछे कितने विद्वान हैं, उनकी लिस्ट देखिए ना आप। हाँ, मैं कहाँ हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पीछे इतने इतने बड़े विद्वान लगे हुए हैं, है, और उन विद्वानों ने मिलकर मेरे को आगे बढ़ाया है। तो मैं असल में शुक्रगुजार तो उनका हूँ कि उन विद्वानों के कारण मैं आगे आया हूँ। ऐसा मेरे अपने एफर्ट्स से तो बहुत कम आया हूँ आगे, मैं उनके एफर्ट ज़्यादा रहे मेरे पास साथ में। अच्छा, फिर उनको ये रहा कि जब इतना सीरियस कलेक्शन कर रहा है ये आदमी, तो क्यों ना इसको ज्यादा से ज्यादा सिक्के दो। कहाँ कहाँ से मेरे पे ऑफर आते थे, रात को 2-2 बजे ऑफर आते थे मेरे पास में कि साहब ये सिक्का आपके लिए आया है, है, हमने देखा है, आप ले लो। जिनको बेचना नहीं है वो भी सब मुझे कह रहे हैं कि आप ये सिक्का हमने देखा आपके लिए बहुत अच्छा है, आप ले लीजिए इसको। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन दे दे के आगे लोगों ने बढ़ाया है, तो आना ही है। नहीं, ये तो आपकी नम्रता है कि आप अपने शेर दूसरे लोगों को दे रहे हैं। नहीं, नम्रता नहीं, ये सच्चाई है। सच्चाई में और नम्रता में फर्क है। ये सचमुच सच्चाई है कि लोगों के कारण ही मेरे पास में इकट्ठा हुआ है। अभी आप देख लीजिए पुखराज भाई जैसे बॉम्बे में है, है? अब उनको वो साधु संत टाइप के आदमी हैं, है? उन तक ने मेरे को आगे बढ़ाने के लिए है इन्फॉर्मेशन दी है, टेलीफोन करके कि मुझे इन्फॉर्मेशन देते थे कि प्रकाश भाई ये सिक्का आया हुआ, ये ऐसा है ऐसा है, ज्ञान देते थे। तो सिक्का देना और ज्ञान देना मैं तो बराबर मानता हूँ दोनों चीज़। ज्ञान होगा तो मैं सिक्का कहीं से भी कलेक्ट कर लूँगा, तो क्या दिक्कत आ रही है मुझे। मैंने इस तरह से इकट्ठे की है। बहुत बहुत सुंदर प्रकाश जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपको पता था, अच्छी जानकारी थी और इंस्पायरिंग है आप पूरे वर्ल्ड के लिए कि एक थीम लेके, एक पैशन लेके अगर आदमी काम करता है तो कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है, और पूरी दुनिया के लिए वो एक मिसाल बन जाता है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू। अगर आपने कॉइनस्टार्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करिए और पास में लगे हुए बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारे आने वाले सारे एपिसोड्स की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी और एक नए और रोचक सिक्के की जानकारी लेकर।